जैसे कि आप जानते हैं ये है राधा का घर। देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और इधर राधा और चिंकी सोए हैं। देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। इधर महक और परी चिंकी के घर स्कूटी लेकर आ जाते हैं। अरे महक चलो पहले परी को ले लेते हैं उसके घर से। अरे महक चलो पहले स्कूटी पे ले लेते हैं, फिर रिंकी के पास जाएंगे। आज तो हम स्कूटी की रेस करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे हाँ, परी चलो पहले चिंकी को ले लेते हैं, चिंकी के घर आ चुके हैं। तुम चिंकी को बैठा लेना, मैं रिंकी को बैठा लूंगी। अरे हाँ, महक दीदी। अरे महक दीदी, कहीं राधा दीदी गुस्सा ना करें, जल्दी चलिए, हम चिंकी को चुपके से बुला लेंगे। अरे रिंकी, तुम यहीं ठहरो, मैं चिंकी को बुलाकर ले आती हूँ, फिर हम चलते हैं। और इधर महक चिंकी को बुलाने के लिए चली जाती है। अरे चिंकी जल्दी उठो, हम स्कूटी लेकर आए हैं, चलाएंगे आज स्कूटी, जल्दी उठो। अरे चिंकी जल्दी उठो ना, परी इंतजार कर रही है, जल्दी उठो, फिर हमें रिंकी को भी लेकर आना है, जल्दी उठो चिंकी, चुपके से चलते हैं, अगर राधा आंटी जग जाए तो हमें स्कूटी नहीं चलाने देंगी, जल्दी चलो। अरे मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, ये महक कब से चिंकी को बुलाने के लिए गई है, अब तक आई क्यों नहीं? फिर रिंकी को भी बुलाना है, लेट ना हो जाए, अगर सब जग जाएंगे तो आज हम स्कूटी नहीं चला पाएंगे। अरे ये महक कहाँ रह गई? इधर महक चिंकी को बुलाकर ले आती है। अरे चिंकी जल्दी चलो, परी हमारा कब से इंतजार कर रही है, हमें स्कूटी चलाना है, तुम्हें स्कूटी चलाना है कि नहीं? अरे हाँ, महक दीदी मुझे तो स्कूटी चलाना है, जल्दी चलो। ठीक है चिंकी, मैं स्कूटी चलाऊंगी, तुम मेरे पीछे बैठना। अरे नहीं नहीं महक दीदी, आप हमेशा स्कूटी चलाती हैं, मुझे स्कूटी चलाना है, देखना आप, मैं बहुत ही अच्छे से चलाना सीख ली हूँ स्कूटी, मैं स्कूटी चलाऊंगी, आप मेरे पीछे बैठना। ठीक है चिंकी, तुम चलाओ, मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगी, फिर हमें रिंकी को भी लेना है उसके घर से, जल्दी चलो। अरे महक जल्दी चलो ना, तुम कितना लेट कर दी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी चलो। फिर रिंकी के घर जाना है, रिंकी को भी पिकअप करना है, फिर हम स्कूटी चलाएंगे। चलो मैं स्कूटी पे बैठ जाती हूँ। अरे महक दीदी जल्दी बैठो, मैं स्कूटी पे बैठ चुकी हूँ। अरे महक दीदी आप बैठ गई ना, जल्दी चलो, जल्दी चलो चिंकी। अरे हाँ, मैं जल्दी जाती हूँ। और इधर चिंकी जल्दी स्पीड करके स्कूटी चला कर ले जाती है। अरे जल्दी चलो, हमें रिंकी के घर जाना है, रिंकी के घर चलो चिंकी। अरे हाँ, अरे रुको महक, तुम दोनों कितने जल्दी जा रही हो, अरे रुको, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ, जल्दी चलो। और इधर परी और महक दोनों स्कूटी लेकर आ जाते हैं। अरे महक लो, हम रिंकी के घर आ गए, मैं जाकर रिंकी को जगा देती हूँ, फिर हम स्कूटी रेस स्टार्ट करेंगे। अरे हाँ, रिंकी जाओ, मैं और चिंकी स्कूटी में बैठे हैं, तुम जल्दी जाओ, रिंकी को बुला कर ले आओ। अरे हाँ, मैं अभी जाकर बुला ले आती हूँ रिंकी को। इधर रिंकी, गीता और रोहित सब सोए हैं। और इधर परी आ जाती है रिंकी को बुलाने के लिए। अरे धीरे धीरे जाती हूँ, कहीं गीता आंटी ना जग जाए, अगर गीता आंटी जग जाएंगे तो मुझे और रिंकी को बहुत ही ज्यादा पिटाई करेंगी। मैं चुपके से रिंकी को जगा देती हूँ। अरे रिंकी रिंकी जगो ना, हम स्कूटी लेकर आए हैं, महक परी महक चिंकी मैं और तुम चारों जाएंगे स्कूटी चलाने के लिए, जल्दी जगो। अरे रिंकी उठो ना। अरे कौन है, क्या हो गया? अरे परी हूँ मैं, परी हूँ। अरे परी दीदी आप, क्या हो गया? अरे हम स्कूटी लेकर आए हैं, चलो स्कूटी चलाएंगे। अरे वाह, स्कूटी लेकर आए हैं, अरे मुझे भी स्कूटी चलाना है परी दीदी, रुकिए मैं जाती हूँ। और इधर रिंकी आ जाती है चुपके से। अरे परी जल्दी करो, हमें जल्दी जाना है। अरे हाँ, अरे रिंकी जल्दी बैठो स्कूटी पे, हम चलते हैं। अरे परी दीदी मुझे चलाना है, प्लीज आप पीछे बैठिए ना, देखो चिंकी चला रही है और महक दीदी पीछे बैठे हैं, तो मैं भी चलाऊंगी, परी दीदी आप भी पीछे बैठिए ना, मेरा बहुत ही ज्यादा मन है स्कूटी चलाने का। ठीक है रिंकी, मैं पीछे बैठती हूँ, तुम जल्दी आओ, चलते हैं, कहीं घर वाले जग ना जाए, अगर सब जग जाएंगे तो हम स्कूटी नहीं चला पाएंगे, जल्दी आओ, जल्दी बैठो तुम। और इधर रिंकी स्कूटी पे बैठने के लिए जा रही है। अरे रिंकी आराम से चलाना, कहीं तुम हमें गिरा ना देना। अरे नहीं परी दीदी, मैं आराम से चलाऊंगी, आप इतना क्यों डर रही हैं, आप आराम से बैठिए। अरे चिंकी तुम भी आराम से चलाना, कहीं गिरा मत देना। अरे नहीं नहीं महक दीदी, मैं तो बहुत ही अच्छे से स्कूटी चलाती हूँ, मैं अच्छे से चलाऊंगी, देखना मैं रिंकी से ही फर्स्ट हो जाऊंगी। 1 2 3 रेडी सेट गो, जल्दी चलो। और इधर महक परी और रिंकी चिंकी स्कूटी की रेस चला रहे हैं, जल्दी चलो स्पीड से चलो।
अरे जल्दी चलो रिंकी, चिंकी फर्स्ट हो जाएगी, जल्दी चलो। और इधर दोनों बहुत ही तेज से स्कूटी चलाते हैं तभी दोनों की एक्सीडेंट हो जाती है। और इधर रिंकी और चिंकी बहुत ही स्पीड से स्कूटी चला रही थी और दोनों की स्कूटी एक्सीडेंट हो चुकी है और बहुत ही घायल हो चुके हैं चारों बच्चे, बहुत ही चोट लगी है चारों को। इधर राधा का पति श्याम रास्ते से गुजर रहा था। हे भगवान, ये चारों बच्चे क्या हो गया इस चारों को? अरे रिंकी चिंकी और महक परी चारों का एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, मैं क्या करूं इस चारों को, तो मैं लेकर जा नहीं सकता। मैं काम करता हूँ, रोहित को बुला कर ले आता हूँ, हम सब साथ मिलकर बच्चों को मेडिकल ले जाएंगे। और इधर गोपाल रोहित को बुलाने के लिए चला जाता है। और इधर गीता की नींद खुल जाती है। अरे ये रिंकी कहाँ चली गई, रिंकी तो मेरे पास सोई थी, अरे ये रिंकी कहाँ चली गई? और इधर गीता अपनी बेटी रिंकी को ढूंढने लगती है। अरे रोहित उठिए ना, देखिए रिंकी नहीं है घर पे, कहाँ चली गई? और इधर गीता रोहित को जगा देती है। अरे गीता कोई बात नहीं, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, यहीं कहीं होगी, अपने दोस्तों के पास होगी, आ जाएगी, इतना घबराओ मत। अरे नहीं रोहित, मेरा मन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है, लगता है कुछ हुआ है रिंकी के साथ। अरे कुछ नहीं गीता, तुम तो हमेशा घबरा जाती हो, कुछ नहीं हुआ है, यहीं कहीं होगी, अपने दोस्तों के पास रिंकी आ जाएगी, चिंता मत करो। और इधर गोपाल स्कूटी लेकर आ जाता है। अरे रोहित जल्दी चल स्कूटी पे, देख बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है रोड पे, रिंकी चिंकी परी और महक घायल होकर पड़े हैं, चारों बच्चे स्कूटी चला रहे थे, स्कूटी का बहुत ही बुरी हाल से एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी चलना रोहित, मेरा मन बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है। अरे गोपाल भैया, हाँ हाँ जल्दी चलिए, हे भगवान ये क्या हो गया बच्चों के साथ, जल्दी चलिए। अरे गीता जल्दी आओ, अरे गीता जल्दी चलो, मैं काम करता हूँ, राधा को भी फोन कर देता हूँ, राधा आ जाएगी। और राधा भी आ जाती है। ये भगवान ये क्या हुआ है, रिंकी और चिंकी का कितना खून बह गया है, ये भगवान राधा दीदी देखिए ना। अरे रोहित एम्बुलेंस को फोन करिए, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करिए, एम्बुलेंस आएगा तो हम सारे बच्चों को ले जाएंगे। और इधर राधा और गीता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है अपने बच्चों को देखकर। अरे मैं गोद में उठा लेती हूँ सबको, इधर सब अपने बच्चों को गोद में उठा लेते हैं। अरे मैं परी और महक को गोद में उठा लिया हूँ, अरे रोहित तू फोन कर ना एम्बुलेंस वाले को, एम्बुलेंस आ जाए तो हम सारे बच्चों को एम्बुलेंस में ले जाएंगे हॉस्पिटल, बहुत ही ज़्यादा खून बह गया है, तो तुरंत फोन करना एम्बुलेंस वाले को। अरे हाँ हाँ गोपाल भैया, मैं अभी कॉल करता हूँ। और इधर रोहित एम्बुलेंस वाले को फोन करने लगता है और इधर सब एम्बुलेंस का इंतजार करने लगते हैं। हे भगवान ये क्या हो गया। ये थी आज की कहानी दोस्तों। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।